हमने जी गांव के 50 तरह के रोड़े रबदे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रख के उनके बीच में भी खड़ा होकर काम कराने पड़े जी। मुख्यमंत्री जी भाइयों का नत कह रहे जी, आज ऐसा काम करो कि इन भाइयों ना कड़ी तक दिक्कत नहीं आओ, कई बार भी इधर उधर जाना पड़ो। अकीन के दफ्तर में तो लैपटॉप हो कंप्यूटर और उसमें धरकत चलाने वाला भी दे दो जी, क्योंकि ना काम कम नहीं होंगे न। आज तोता सा बिठा दियो जी और तो देखी जाए जो भी भाइया के लाख काम लोग हरियाणा का नक्शा बदलेंगे, पक्का नक्शा बदलेंगे। काम में गति भी आए और मारे भाई 2024 में फिर से आदरणीय नायब सैनी जी को हरियाणा का फिर मुख्यमंत्री बनाए। फिर मुख्यमंत्री बोले भारत माता के जिगर के छल्ले मेरे स्यामी बैठे मेरे सारे सरपंच भाइया को मेरे राम राम। भाइयो एक बात कहूंगा मैं तो, बस घना लंबा चौड़ा तो बोल लूंगा भी नहीं, इसलिए नहीं बोल लूंगा भाई क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आप और हम सब लोगों के बीच में अपनी बात कहेंगे। भाई आप मेरे तो कई दिन से मिल रहे थे, हम तो ही बने भाई सही तो, और सही तो हमारे को जिम्मेवारी चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे भाई हमारा मंत्रिमंडल हो, सही तो हम 6 तारीख ने बने हैं क्योंकि 4 तारीख ने चुनाव होया, 5 ना 4 से इताटी, 6 ना हम ठीक ठीक विधिवत बन गए और 6 तो आज 2 है। आज 2 तारीख ने धुम्मा ठाने की बात करूंगा मैं तो मुख्यमंत्री जी ते। देखो भाई हम लोग आप जी से ही हैं और आप जी से इसलिए हैं शुक्रिया। देखो भाई हम आप जी से इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम तो जमागति तरव ताजा बनकाए और आपने मारते बात बताई बड़े आदर ते प्यार ते, एक एक भाई ने मारते एक भाई साहब बिलगाम में जब 15 अगस्त 26 जनवरी का त्योहार हो ना तो 500 रुपए दे हुए बोले 2 किलो लाडू भी नहीं बांट सकते मुख्यमंत्री जी, और स्कूल में 200 बालक हो 400 बालक हो तो बोले भाई साहब अपने पल्ले ते पीछे लाने पड़े, इतनी छोटी चीज तो शुरू कर रहे हैं जी, अरे होनी भी चाहिए जी। सर मेरे को जब ये लोग मिले और बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि भाई मारे भाई ना अगर कोर्ट में कई बार मामले हो जाए पंचायतों के और वो अगर निपटाने के लिए तारीख पर जाना हो तो बोले जितनी फीस दे हुए हैं तो मुंशी भी नहीं पकड़े, बोले के 1100 रुपये बोले जी अरे छोटी कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाओ बोले 5000 रुपये। बरसों से चला रहा जी, देखो इतने में गुजारा को नहीं होगा सर चाहे कुछ भी हो। देखो इन चीजों को अगर हम लोग ना समझेंगे और वही पुराने डरे पर अगर हम लोग चलते रहे तो देखो इन भाइयों के श्यामी जी कठिनाई तो है ही और घनी तगड़ी है जी, घनी तगड़ी कठिनाई है जी। ये मान लो मुख्यमंत्री जी हैं चाल पड़े बेचारे को नांगल चौधरी तो चाल का हुआ है, कोई कालका तो चाल का हुआ है, कोई होडल पलवल ते भी आगे तो चाल का हुआ है, कोई सहार तो चल है बेचारा। एक बार बताओ जी उन्हें तय कर ले मैं मंत्री तो मिलकर आऊंगा जी, मुख्यमंत्री जी तो मिलकर आऊंगा जी, 4 काम हुए जी, गांव वाले कौन सा टिकट दे हुए, किसी का और भी काम निकल का इसके, और हमारी मजबूरी है हमने आना पड़ा है, इसलिए आना पड़ा है कि साहब हम खाली सरपंच है ना जी, इसी काम के लिए नहीं कि भाई हमने गली बनानी चौपाल बनानी, हमने जी गांव के 50 तरह के रोड़े रबदे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रख के उनके बीच में भी खड़ा होकर काम कराने पड़े जी,
और इसलिए हम नहाना जाना पड़े। देखो साहब सारे तो देखो धन्ना सेठ नहीं है ना, पर ठीक है कुछ होंगे भाई संपन्न होंगे, मगर सारे संपन्न हो हिसाब ही नहीं। अच्छे सारे भी संपन्न हो जी, देखो काम तो समाज का कर रहे हैं, और जब हम लोग समाज का काम करें ना जी तो उसमें कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। और जब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना साहब, मुख्यमंत्री जी इन भाइयों का नत कह रहे हैं जी आज ऐसा काम करो कि इन भाइयों ना कड़ी तक दिक्कत नहीं आओ, चाहे कई बार भी इधर तो उधर जाना पड़ो, कड़ी भी आना जाना पड़ो। इन चीजों में भाइयों इन चीजों में सर इन चीजों में दिखने में लागे जी बहुत कष्ट सहने पड़े। और भाइयों आपके जुम्मे तो इतनी जिम्मेवारी है, मान लीजिए हो कि गांव में बेचारा किसी गरीब आदमी का बीमार हो जाए, उन्हें कौन दिखे जी, सरपंच दिखे जी, और उन्हें सरपंच दिखे बेचारे ने ना हो बेरान पड़ो, उसके कागज पत्र भरने पड़े जी। अब कागज पत्र भी अगर भरने पड़ेंगे तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं जी, इन तेईसी व्यवस्था करके दे दो, अकीन के दफ्तर में तो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो और उसमें धरकत चलाने वाला भी दे दो जी, क्योंकि ना काम कम नहीं होंगे न, कम काम नहीं होंगे जी, बहुत काम होते हैं साहब। मैं निवेदन करूंगा जी, देखो जब तक आम लोग व्यवस्थाएं नहीं बनाओगे, व्यवस्थाएं नहीं बनाओगे तो काम को तरीके से कैसे कर पाएंगे। सचिवालय गांव में उसमें जी पटवारी ठीक बैठे, उसमें सेक्रेटरी ठीक बैठे, उसमें JSDO तक भी आके बात सुन कर जावे, और हर काम का रिकॉर्ड इनके पास हो, इस चीज की भी व्यवस्था करके देनी या बहुत लाजमी हो गई है, क्योंकि आज जमाना बड़ा हाईटेक हो गया, और इस हाईटेक जमाने में जिसके ऊपर सारे गांव की जिम्मेवारी है ना, ईसा सरपंच भाई पीछे न रहना चाहिए सर, वो भी बहुत तेजी से जमाने के साथ कदम ताल बढ़ाकर चलने वाली ताकत रखने वाला हो। इसलिए मेरा निवेदन है साहब कि इनकी कोई कसर कोई मांग को छोड़ना मत। साहब देखो कह तो ये ठीक कह रहे थे जी, कह तो ठीक कह रहे थे। देखो जी ये बार न्यू हो मुख्यमंत्री जी आपने ना बेरा हो, फिर तो बात ये है कि भाई हमने कहनी पड़ा जी, समझानी पड़ा जी। इब 2 लाख रुपए वो होगा के जी, कुछ होगा सही पूछा था, 5 में भी कुछ नहीं होता। मेरा निवेदन है जी कि आपसे कि आज है ना, दे भाई रुको भाई, भाई रुक तो जाओ, रुको रुको। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, देखो इनकी बात को आप समझ के सोच के सुथरा सा काम कर दिया जी, सुथरा सा काम कर दिया। और मेरा निवेदन ये है सर, मेरा निवेदन ये है सुथरा सा काम हो जाए ताकि सर काम में गति भी आए, और मारे भाई 2024 में फिर से आदरणीय नायब सैनी जी को हरियाणा का फिर मुख्यमंत्री बनाए। अरे भाई थाम भी सुन लो भाई, थारते भी एक बात कहूं, देखो रे आम देखो भाई आम तो अपने कहने तो कोई कसर छोड़ देंगे नहीं, और थारी गल खड़ा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी तो थारी ये बात कह रहा हूं भाई। देखो हमने भी बहुत राजकाज देख लिए, ऊ कहने वाले का तो देख मुंह नहीं पकड़ सकते, और भाई कहने वाले के तो देख
जुबान तो पकड़ जाती, बाकी हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, कोई भी कसर कोई नहीं छोड़ी थी, चाहे जो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे तरह के काम की बात हो, कमी कोई छोड़ी नहीं थी। और भाई मैं आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी तेन कहूं कि मुख्यमंत्री जी इन सरपंचा की तरफ से मैं इनका मंत्री हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं साहब, आज तोता सा बिठा दियो जी, और तो देखी जाए जो भी होगा। सर सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि ये सारे मेरे सरपंच भाई, सही बात तो ये है कि जी आपने सुनन खातर बैठे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरियाणा को आप और आपकी टीम ने, और ये भी आपकी टीम है जी, ये सरपंच भी है जी, पंचायत समिति है जी, चाहे जिला परिषद हो जी, ये सारी सरकार की टीम है। और जब टीम एक झूठ को होकर आगे बढ़ती है ना जी, तो वो नक्शा बदल देती है। और मैं दावे से कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इन्हीं तीन महीने में इन सरपंच भाइयों के लाख का हम लोग हरियाणा का नक्शा बदलेंगे, पक्का नक्शा बदलेंगे। और फिर 2024 में आप सबके चरणों में प्रणाम करते कहूंगा, भाई हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और भाई थामने भी अपने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।